ओके सो टुडे वी विल बी लुकिंग एट अ स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है. मार्केट कैप इज अराउंड 1200 1300 क्रोर्स. नेम ऑफ द कंपनी इज मोलटेक पैकेजिंग, विच इज इन टू पैकेजिंग बिजनेस, ठीक है. इसमें बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस पोटेंशियल है टू गिव यू अ लॉट ऑफ मनी इन द फ्यूचर. ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग बात करेंगे एंड बहुत इन डेप्थ जाने वाले हैं ये डिस्कशन में. तो टॉपिक्स विच वील बी डिस्कसिंग इज फर्स्ट, तो कंपनी क्या करती है, अबाउट द कंपनी बेसिक, कि बी टू बी बिजनेस में बी टू सी ए क्या कर रहा है, किसको केटर कर रहा है. देन वील बी लुकिंग एट द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कितना रोबस्ट है एंड अगर कुछ वीकनेस है तो वो भी बात करेंगे. उसके बाद हम लोग उसका बिजनेस मॉडल पे जाएंगे. बिजनेस मॉडल में क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट्स क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, वो प्रोडक्ट्स में कुछ उनका सस्टेनेबल एडवांटेज है क्या कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर, एंड उसका बैरियर्स टू एंट्री कितना है, कितना टाइम तक वो उनका सस्टेनेबल एडवांटेज रख सकते हैं, ठीक है. पोस्ट दैट हम लोग बिजनेस सेगमेंट्स देखेंगे एक एक, यानी कि उन लोग केटर करते तीन पर्टिकुलर सेगमेंट्स को, तो वो तीनों सेगमेंट से कितना पैसा आ रहा है, उनका फ्यूचर कौन से सेगमेंट में, ये सब के बारे में बात करने वाले. ये सब करने के बाद आप लोग को एक क्वालिटेटिव नॉलेज तो आ ही जाएगा ये बिजनेस के बारे में इन एंड आउट, ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका क्वांट पार्ट देखेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, की कंपनी कितना स्ट्रांग है, कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या बोल रहा है, अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है क्या हो रहा है, ठीक है. पोस्ट दैट हम लोग देखेंगे कि उन लोग का आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, एंड वो फ्यूचर प्लान के लिए आज के तारीख में उन्होंने कुछ केपेक्स किया है, क्या किया है, ठीक है. पोस्ट दैट अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है ये कंपनी में, तो व्हाट आर द रिस्क जो आपको एज एन इन्वेस्टर देखना पड़ेगा, ठीक है. ये कांस्टेंट टच में रहना ही पड़ेगा, इवन दो यू आर इन्वेस्टिंग राइट नाउ, आपको वो रिस्क को गेज करते ही रहना पड़ेगा एवरी क्वार्टर, ठीक है. एंड लास्ट में मैं मेरा पर्सपेक्टिव बताएगा, ठीक है, कि इज़ इट अ गुड बाय, गुड सेल और वॉट एवर इट इज़, जो भी है वो मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपको बताऊँगा. तो अभी हम लोग है ना, एक बेसिक इंडस्ट्री का मैं बता देता हूँ कि किस चीज़ पे आता है ये. ये आता है हमारा प्लास्टिक पैकेजिंग के अंदर, ठीक है. पैकेजिंग में भी, प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है. प्लास्टिक पैकेजिंग में भी दो होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, एक होता है रिजिड प्लास्टिक. हमारा मोल्टेक इज़ इनटू रिजिड प्लास्टिक, ठीक है. फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मतलब क्या, नॉन कंटेनर टाइप, लेज हो गया हमारा, आलू भुजिया जिसमें आता है, बासमती राइस, टाइड का जो आता है पैकेट, ये सब किस में आ गया, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग. तो रिजिड प्लास्टिक मतलब किस में आ गया, रिजिड प्लास्टिक मतलब कंटेनर में रहेगा, एशियन पेंट्स का डब्बा, कैस्ट्रॉल का डब्बा, फिर आइसक्रीम का बड़े डब्बे आते हैं ना, नेचुरल्स आइसक्रीम का, वो सब आ जाता है हमारा रिजिड प्लास्टिक में. एंड मोल्टेक इज स्पेसिफिकली इनटू रिजिड प्लास्टिक, ठीक है. अगेन रिजिड प्लास्टिक इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% गोइंग फॉरवर्ड. पूरा इंडस्ट्री सपोज टू बी ग्रोइंग एट 10%. अगेन यहाँ पे हम लोग को समझना है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत है इसमें, तो ऑब्वियसली मोल्टेक पैकेजिंग जब आ गया है, बहुत सारा अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी उन लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को, जिसकी वजह से उनका सेल्स ग्रोथ और ज़्यादा पोटेंशियली ग्रो हो सकता है, ठीक है. उसके बाद थोड़ा कंपनी के बारे में समझते हैं. सबसे पहला चीज़ समझना है, ये जो कंपनी है ना, दैट इज़ इनटू बी टू बी बिजनेस. बी टू बी, बी टू सी का डिफरेंस क्या है. अभी सपोज नेचुरल आइसक्रीम का लेते हैं. नेचुरल आइसक्रीम का क्या है, नेचुरल आइसक्रीम आइसक्रीम बनाता है एंड डायरेक्ट अपने कंज्यूमर को देता है, बराबर है. बी टू बी मतलब क्या, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं देगा, फाइनल कंज्यूमर को नहीं देगा. तो मोल्टेक पैकेजिंग क्या करता है, एशियन पेंट्स के लिए डब्बा बनाता है एंड उसका पैकेजिंग लेबलिंग करता है, ठीक है. एक होता है प्लास्टिक बनाता भी है एंड उसका लेबलिंग भी करता है एंड एशियन पेंट्स को देता है. एशियन पेंट्स क्या करता है, उसमें पूरा फिल करेगा उसका जो भी पेंट्स है एंड फिर वो फाइनल कंज्यूमर को देगा. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मोल्टेक किसको केटर कर रहा है, मोल्टेक एक और बिजनेस को केटर कर रहा है. तो मोल्टेक का कस्टमर कौन हुआ, एशियन पेंट्स. तो ऐसे बिजनेसेस किस में आते हैं, बी टू बी बिजनेस में आते हैं. नॉर्मली है ना, बी टू बी बिजनेस में इन्वेस्ट करना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि बी टू बी बिजनेस में नॉर्मली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, यानी कि जेनरिक प्रोडक्ट पे वो लोग काम करते हैं. अभी जेनरिक प्रोडक्ट का मेरा मतलब क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एशियन पेंट्स हूँ, ठीक है, मुझे कंटेनर चाहिए, तो मेरे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं, जैसा मोल्टेक है वैसे बहुत सारे सप्लायर्स होंगे. तो क्या हो जाएगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल चिन्मय का बिजनेस है पैकेजिंग में, चिन्मय बोलता है मुझे 10 रुपीज़ चाहिए एक डब्बे का. एशियन पेंट्स को पता है कि सब लोग एक जैसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं और मैं तो बहुत वॉल्यूम ले मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, तो किसके पास बार्गेनिंग पावर आया, यहाँ पे एशियन पेंट्स के पास आया. तो एशियन पेंट्स क्या बोलेगा, अरे नहीं चिन्मय 10 तो बहुत ज़्यादा है, कोई मेरे को 7 में दे रहा है तो बोलो. तो सामने से क्या हो जाता है, कोई और पैकेजिंग कंपनी आ जाता है और कर लेता है. यहाँ पे हम लोग को समझना है कि मोल्टेक पैकेजिंग ऐसा क्या कर रहा है जिसके वजह से उसका प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है
एंड जिसके वजह से वो सस्ते में भी बेच पा रहा है विथ प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? यही चीज़ हम लोग पूरा इनडेप्थ डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वो कर रहा है जिसके वजह से उसका मार्जिन भी इंटैक्ट है एंड सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में वो बेच पा रहा है। क्योंकि आपको समझना है, दिस बिजनेस इज़ फुल्ली इन टू वॉल्यूम। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, क्योंकि मार्जिन में इतना ज़्यादा फोकस नहीं है जितना वॉल्यूम्स पे है। बट मोलटेक दोनों अचीव कर पा रहा है, उसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में उसका मार्जिन भी ज़्यादा है एंड वॉल्यूम्स तो है ही ज़्यादा उसका बहुत। तो हम लोग ऑब्वियसली आगे देखेंगे कि ये कैसे अचीव कर पा रहा है। अब इन लोगों का अगर क्लाइंटल बेस देखोगे तो सब बड़े बड़े कंपनीज़ हैं। ऑब्वियसली छोटे SMEs भी है, बट ये लोग बड़े बड़े कंपनीज़ को भी केटर करते हैं। ठीक है, तो इन लोग है ना बेसिकली तीन सेगमेंट में काम करते हैं। फर्स्ट इज़ पेंट्स। पेंट्स में कौन कौन है? सबसे बड़ा क्लाइंट इसका एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट्स का कॉम्पिटिटर कौन कौन है? बर्जर, कैंसाई नेरोलैक, एक्सोनोबल, ये लोग उनको भी केटर करते हैं। यानी कि इनका ये एडवांटेज है, ऐसा नहीं है कि एशियन पेंट्स को किया तो कंप्यूटर को नहीं कर सकते। समझ में आया? ये उनका एक सेगमेंट हुआ। दूसरा सेगमेंट क्या है? लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स में कौन है इनका? कैस्ट्रॉल है, एक्सॉन मोबिल है, वेल्वोलिन है, ये सब आ जाता है। थर्ड जो सेगमेंट है जो ग्रो कर रहा है, दैट इज़ इन टू फूड्स एंड FMCG। फूड्स एंड FMCG मतलब HUL हो गया, ठीक है, ITC हो गया, एंड कौन से अभी देखो, वाडीलाल, नेचुरल्स आइसक्रीम, अमूल आइसक्रीम, क्वालिटी वॉल्स, ये सबको ये लोग केटर करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते मैनेजमेंट के बारे में ज़रा देखते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट में मैंने डेलिब्रेटली दो की पर्सनल का नाम लिया है। वन इज़ लक्ष्मण राव, जो उनका चेयरमैन MD है। लास्ट 30 ईयर्स से वो ये बिजनेस में, ठीक है, उनका पेडिग्री भी इज़ फ्रॉम IIM बैंगलोर, एंड सिंस 30 ईयर्स वो बिजनेस में ही नोज़ कि कभी कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम भी आता है, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है कि प्रॉब्लम नहीं हुआ है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, बट जितना मुझे पता है एक भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया है कि कुछ मैन्युपुलेशंस को लेके। एंड ऑब्वियसली हमने भी अकाउंट्स चेक किए हुए हैं, तो ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आया है। समझ में आ रहा है? सेकेंड इज़ ए सुब्रमण्यम। ठीक है, ए सुब्रमण्यम के बारे में आगे जब मैं आगे कुछ उसका सस्टेनेबल एडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा ना, तभी मैं इनका एक्सप्लेनेशन और डिटेल में दूंगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके वजह से आज मोलटेक मोलटेक है। समझ में आ रहा है? बस ये याद रखना कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस के लिए। अच्छा, इसका एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो भी मैं बोल देता हूँ। उनका प्रमोटर का वो जो होल्डिंग है, जो उन्होंने प्लेज किया है, वो 3.42% है। पहले उससे ज़्यादा था, अभी उन्होंने थोड़ा कम किया है। अगेन 3.42%, अभी देखो जब हमने आगे हम लोग ने और देखा, चेक किया, तो हम लोग को समझा कि डायरेक्ट प्रमोटर नहीं कर रहा है ये, मतलब प्रमोटर का शेयर्स को उसने प्लेज नहीं किया है, प्रमोटर का कोई डिस्टेंट फैमिली मेम्बर ने प्लेज किया हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, वो जीरो ही होना चाहिए, या तो हार्डली 0.2%, 0.3% है तो फिर भी एक बार चलेगा। यहाँ पे 3.42% है। प्रॉब्लम बीइंग, कल को जो उनका डिस्टेंट फैमिली मेंबर ने सपोज डिफॉल्ट किया, बैंक क्या करेगा? सीधा वो बेच देगा शेयर्स, एंड 3.42% बेचा तो सीधा क्या हो जाएगा? शेयर प्राइस नीचे आएगा। तो वी वुडेंट वॉन्ट कि प्लेजिंग रहे। ठीक है, तो ये एक रिस्क है जो आपको देखना है इवेंचुअली कम हो रहा है कि नहीं। उसके बाद एक पॉइंट है, जैसा मैंने बोला कि बिजनेस ने डाउन टर्न भी देखा है पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है। इन लोग पहले एक्सपोर्ट करते थे दुबई में एक यूनिट डाल के, UAE में एक यूनिट डाला था उन्होंने। अभी वो लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट यहाँ से ही करते। पहले उन्होंने दुबई में एक यूनिट डाला था ये सोच के कि वहाँ से ही हम लोग पूरा हमारा एक्सपोर्ट का चीज़ें देखेंगे। बट क्या हुआ, जितना कैपेसिटी उन्होंने डाला उतना वो लोग को यूटिलाइज़ करने ही नहीं हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे उन्होंने अगर UAE में एक प्लांट डाला जिसका 1000 मेट्रिक टन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अगर वो 40-50% भी यूटिलाइज नहीं होगा तो वो लोग प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे। एंड वही हुआ, उतना यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा था, जिसके वजह से उन्होंने अपफ्रंट होके बोला कि ये हमारा प्लांट नहीं चल रहा है, एंड वी वुड टेक स्टेप्स टू गेट आउट ऑफ दैट मेस। एंड व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने जो लॉसेस है वो बुक किया, जो वहाँ का कैपेसिटी है, मशीनरी है, वो यहाँ पे लेके आ गए, एंड इंडिया में ही अभी वो लोग बोल रहे कि इंडिया में ही हम लोग ग्रो करेंगे। तो उन्होंने वो अपना मिस्टेक जो है वो एक्सेप्ट किया रोबस्टली, इफेक्टिवली उन्होंने क्या, चेंजेस बहुत फास्ट किया, एंड अभी वो लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट का रोबस्टनेस एंड ऑनेस्टी मेरे को अच्छा लगा ये वाले एस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी हम लोग उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। बिजनेस मॉडल में दो चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले कि प्रोडक्ट्स क्या क्या बेच रहा है, एंड उसमें उनका मेजर प्रोडक्ट किस चीज़ पे, एंड आगे भी वही चीज़ लेके जाने वाले हैं, एंड उसका क्या सस्टेनेबल एडवांटेज है एंड बैरियर्स टू एंट्री है कॉम्पिटिटर्स के लिए। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग को समझना है ये कंपनी क्या कर रहा है एग्जैक्टली. सबसे पहले प्लास्टिक कंटेनर बना रहा है बराबर, एंड उस पर वो लेबलिंग करके दे रहा है. यानी कि दो स्टेप कर रहा है वो. सबसे पहले प्लास्टिक बनाना भी तो पड़ेगा ना. अभी एशियन पेंट्स के लिए अलग डब्बा लगेगा, बर्जर के लिए अलग डब्बा लगेगा, कुछ तो चेंजेस होगा हर एक चीज़ के लिए बराबर है. ऐसा तो नहीं कर सकते कि जो डब्बा एडिबल ऑयल के लिए वही डब्बा हम लोग एशियन पेंट्स के लिए देंगे, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है. यानी कि क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको प्लास्टिक को मेल्ट करना पड़ेगा, उससे फिर मोल्ड में डालना पड़ेगा, और मोल्ड से एक प्रॉपर कंटेनर निकलेगा एंड वो कंटेनर पे लेबल डालेंगे. ठीक है, तो वो लेबलिंग का प्रोसेस है ना, तीन तरीके से हो सकता है. सबसे फर्स्ट जो ये लोग करते हैं वो है स्क्रीन प्रिंटिंग, सेकेंड है हीट ट्रांसफर, एंड थर्ड है हमारा IML पैकेजिंग, इन मोल्ड लेबल पैकेजिंग, जो उनका सस्टेनेबल एडवांटेजेस आगे जाके देगा एंड अभी भी वो दे रहा है. समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे फर्स्ट है ना हम लोग देखेंगे ये स्क्रीन प्रिंटिंग क्या है. इवन तो यहाँ पे जो पिक्चर है ये फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का है, आपको ये समझना है ये सब रिजिड प्लास्टिक में आता है. तो स्क्रीन प्रिंटिंग का एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं, कोई भी एक बॉटल है, बॉटल पे उन्होंने स्क्रीन प्रिंट किया. अभी ये स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये वीडियो में, ये एक स्क्रीन है, समझ में आ रहा है आपको? ये एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन में उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है एंड उनको चाहिए कि बॉटल में ये वाला ऑरेंजिश कलर में वो लेबल हो जाए. समझ में आ रहा है? तो वो क्या किया है, ये बेसिकली ये जो पार्ट है ये इंक है जो वो डिज़ाइन के ऊपर उन्होंने डाला है. ठीक है, उसके बाद व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज, देख लो अभी ये उन्होंने डाला है, उसके बाद ये स्क्रीन को उल्टा किया करते वो. ठीक है, स्क्रीन को उल्टा कर दिया, अभी उसके ऊपर देखो ये डिज़ाइन आ गया है. ये डिज़ाइन पे क्या करेंगे, वो जो प्लास्टिक है उसको रोल करेंगे एंड उधर से उनको वो लेबलिंग मिल जाएगा. देखो एक बार मैं बता देता हूँ, वो अभी रोल करेंगे बस इस पे एंड यू विल गेट स्क्रीन प्रिंटिंग लेबल. अभी आपको समझना है इसका प्रॉब्लम क्या है. ये पूरा 100% कवरेज दे ही नहीं सकता, एट द मोस्ट 30-40% कवरेज देता है, या 50-60-50% एट मोस्ट कवरेज देगा. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है ना, ऐसे वाले लेबलिंग का स्क्रैच आता है, मतलब आप स्क्रैच करके ही निकाल सकते हो, बहुत जल्दी फेड हो जाएगा. समझ में आ रहा है आपको? एंड अगेन ये टू स्टेप प्रोसेस है, टू स्टेप है ना. सबसे पहले आपको यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऑलरेडी कंटेनर आ गया है, बट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले मेल्ट करना पड़ेगा कंटेनर को, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, वो लेबलिंग करना पड़ेगा. यानी कि दो स्टेप लगता है इसमें, टाइम भी कंज्यूम होगा, स्क्रैच भी होगा बराबर. तो प्रीमियम दिखेगा क्या ये लोग? नहीं दिखेगा. तो उसके बाद एक और हम लोग इसमें आते, हीट ट्रांसफ़र. ठीक है, अभी हीट ट्रांसफ़र में क्या होता है, देखो हीट ट्रांसफ़र में एक कंटेनर डाला, यहाँ पे वो लेबल रहेगा, वो लेबल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वो लोग चिपका देंगे, किसके थ्रू, हीट एंड प्रेशर के थ्रू. समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको 80% कवरेज तक मिल जाएगा. कवरेज का मतलब क्या है, 80% आप पूरा कवर कर सकते हो, 100% नहीं कर सकते. बट इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, आप स्क्रैच करोगे तो वो निकलेगा. समझ में आ रहा है? हीट रेजिस्टेंट है कंपेयर टू स्क्रीन लेबल है, बट फिर भी इसमें भी मतलब है ही, मतलब ऐसा नहीं है कि हीट अगर ज़्यादा आएगा तो ख़राब होगा ही प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है? तो अभी मैं बताता हूँ कि मोल्टेक पैकेजिंग क्या करता है एग्जैक्टली. तो मोल्टेक पैकेजिंग इज इन टू मोल्टेक, जब बोल रहे हैं उसी से समझते हैं, इन मोल्ड लेबलिंग करता है वो. इन मोल्ड लेबलिंग का मतलब क्या है ना, सबसे इजीएस्ट वे में समझो कि लेबल है ना प्रोडक्ट का एक पार्ट ही हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ ही लेबलिंग हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ होगा. मतलब इसका मतलब ये है कि लेबल अलग सा आप ऐसा स्क्रैच ही नहीं कर पाओगे. अभी यहाँ पे पेंटिंग चल रहा है क्लासरूम में, यहाँ पे हमारा बराबर है. अभी आपको बताया ना एशियन पेंट्स का डब्बा जो रॉयल का था, उसमें आपने स्क्रैच किया, स्क्रैच हुआ क्योंकि वो क्या हो जाता है, प्लास्टिक कंटेनर का पार्ट हो जाता है. समझ में आया? तो ये प्रोसेस है ना, एक बार ये वीडियो से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अभी है ना सबसे पहले समझो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सबसे पहले लेबल है, ये लेबल ऐसे डायरेक्ट फोल्ड नहीं होता है, उसका भी एक तरीका है रेप्लिका के थ्रू होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ 2 मिनट के बाद. सबसे पहले क्या समझना है, ये जो लेबल है वो लोग ये मोल्ड के अंदर डाल रहे हैं. ये मोल्ड के अंदर क्यों डालते हैं, एशियन पेंट्स को एक तरीके से डब्बा चाहिए ना, उनके एक डिज़ाइन के चाहिए ना, तो वो डिज़ाइन ऑलरेडी अंदर मोल्ड में रहेगा. ठीक है, सबसे पहले वो लोग क्या कर रहे हैं, लेबल मोल्ड के अंदर डाल रहे हैं. ठीक है, ये क्या है,
यहाँ से मेल्टेड प्लास्टिक निकलेगा, ये जो एरिया है यहाँ से मेल्टेड प्लास्टिक निकलेगा। तो अभी देखो प्रोसेस देखो क्या है, ये सबसे पहले अंदर गया, सबसे पहले लेबल अंदर गया, उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है मेल्टेड प्लास्टिक अंदर जा रहा है एंड ये वो कंटेनर का शेप निकाल के आ जाएगा। यानी कि एक ही प्रोसेस किया, एक ही स्टेप किया, दोनों भी एक साथ हो रहा है। सेकेंड चीज़ क्या है, प्रोडक्ट भी एकदम प्रीमियम लगेगा क्योंकि आप स्क्रैच ही नहीं कर सकते, 100% कवरेज है, पूरा का पूरा आप कंटेनर पे कर सकते हो, ये समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली बहुत प्रीमियम लगेगा। तो अभी फॉर एग्जांपल आप समझो क्वालिटी वॉल्स का आइसक्रीम का डब्बा देख रहे हो, वो एकदम प्रीमियम लगेगा, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स वुड बी इंक्लाइंड ना, समझ में आ रहा है? एंड अगर कस्टमर्स स्टार्ट बाइंग दोज प्रोडक्ट्स जिसमें प्रीमियमाइजेशन लुक है फॉर फूड्स एंड एफएमसीजी, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर को भी तो लेना पड़ेगा, तो कॉम्पिटिटर को भी तो ये करना पड़ेगा। कहाँ से कराएगा वो? मोल्टेक पैकेजिंग से कराएगा। अभी आपका इशू कहाँ पे आएगा कि कोई कॉम्पिटिटर भी तो आ सकता है, तो उस पर मैं आता हूँ। एक और बार ये प्रोसेस देख लेते, ठीक है? ये देखो यहाँ पे मोल्टेड प्लास्टिक चला गया, समझ में आ रहा है? एंड क्या हो गया, फिर पूरा का पूरा प्रोडक्ट बाहर आ गया एक साथ, समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको सिर्फ एक बार बता देता हूँ कि वो रेप्लिका का मैं क्या बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने देखा ना कि ये ऐसे डायरेक्ट करके अंदर डाल रहे, तो वो कैसे वो लोग एक्चुअल में करते वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो देखो ये है ना हमारा रेप्लिका है, ठीक है? ये रेप्लिका में हम लोग लेबल कर रहे हैं, समझ में आ गया? ये देखो ये बेसिकली ये जो चीज़ है ना वो रेप्लिका है, ये वो लेबल है, वो लेबल को सिर्फ अंदर डालेंगे, रेप्लिका बाहर ही रहेगा, समझ में आ रहा है? ये देखो अभी ये अंदर डालेंगे, सिर्फ लेबल अंदर जाएगा, रेप्लिका अंदर नहीं जाएगा, समझा? अभी आपको क्लियर है प्रोसेस? देखो वो बाहर आ गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो मेल्टेड प्लास्टिक अंदर डालेंगे एंड वो फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, समझा? आपको क्लियर है? अच्छा अभी हम लोग ने प्रोडक्ट्स के बारे में देखा, अभी हम लोग आगे उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है ना वो देखने वाले आईएमएल के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं आईएमएल एंड नॉन आईएमएल का कितना कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले ये भी समझना है कि 2011 में आईएमएल आया था यहाँ पे, मोल्टेक पैकेजिंग ने 2011 में आईएमएल का टेक्नोलॉजी इंडिया में लाया था, लेकिन अभी आप देखोगे लास्ट 9 ईयर्स में उसने अपना वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है, आईएमएल का ज़्यादा है। मतलब उन्होंने कॉन्शियस एफर्ट्स लिया आईएमएल का बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन आईएमएल, तो उन्होंने वो बढ़ाया ओवर दी ईयर्स। आज के तारीख में कितना है, 63% किससे आ रहा है, आईएमएल से आ रहा है, 37% नॉन आईएमएल से आ रहा है, एंड वैल्यू वाइज मतलब सेल्स, टोटल सेल्स जो है उसका 65% आईएमएल से आता है। अभी आपका क्वेश्चन ये रहेगा, अच्छा आईएमएल इतना ही अच्छा तो कॉम्पिटिटर्स भी आके कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको समझना है 2011 में इन्होंने ताइवान से दो रोबोट्स मंगाए थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि रोबोट्स इसके लिए मंगाए थे ताकि पूरा प्रोसेस ऑटोमेट होगा। अभी ऐसा नहीं है कि रोबोट्स मंगाया डायरेक्ट यूज़ कर दिया, उनको डेवलप करना पड़ेगा हमारे प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, बराबर है? यहाँ पे उन्होंने R&D का एक यूनिट डाला अपना, क्यों? ताकि ये लोग इन हाउस ही रोबोट्स बना सकते। याद है मैंने ए सुब्रमण्यम के बारे में बात किया था, ए सुब्रमण्यम यहाँ पे वो सबसे की पर्सन थे, R&D का डिवीजन वो हेड कर रहे थे, एंड ही मेड श्योर कि हम लोग इन हाउस रोबोट्स बनाएंगे, एंड उन्होंने बनाया लिटरली 40 to 50% कॉस्ट पे। तो फॉर एग्जाम्पल ताइवान से अगर मंगाना है, रोबोट्स का कॉस्ट है 5 करोड़, सपोज 2 रोबोट्स का कॉस्ट है 5 करोड़, ये लोग ने ओवर टाइम इन हाउस बना दिया रोबोट्स विथ प्रिसिशन परफेक्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। 5 करोड़ का कॉम्पिटिटर्स को 5 करोड़ लगेगा, ये लोग ने इन हाउस कितने पे बनाया, 2 करोड़, 2.5 करोड़, वो भी प्रिसाइसली हमारे प्रोसेस को इंटीग्रेट करते हुए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कल को अगर प्रॉब्लम आ गया, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ गया, तो कंटेनर्स में डिफेक्ट आएगा, बाई चांस हमने वो दे दिया बर्जर पेंट्स को, तो क्या होगा, हम लोग को ऑब्वियसली भरना पड़ेगा उसका जितना भी डिफेक्ट हुआ, उसका लॉस हुआ, वो हम लोग को भरना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं, यहाँ पे हम लोग को समझना है ये वाले बिजनेस में प्रिसिशन लेवल इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। यहाँ पे एशियन पेंट्स ने 2017 के एनुअल रिपोर्ट में एशियन पेंट्स ने उसको ग्रीन चैनल रिकग्निशन दिया है मोल्टेक को, जो बहुत बड़ी बात है। ग्रीन चैनल रिकग्निशन का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है एशियन पेंट्स क्या बोलता है मोल्टेक को कि तुम जो कंटेनर लाओगे ना
हम लोग उसका QC भी नहीं करेंगे, क्वालिटी चेक भी नहीं करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। अगर आप फाइनेंस में हो, अगर आप मैनेजर हो, आपका एनालिस्ट आपके लिए मॉडल बना के देता है, आप एक बार तो रन करते हो ना। लेकिन अगर आपने ऐसा बोला, आउट ऑफ 10 एनालिस्ट आप एक एनालिस्ट को बोलते हो आप जो भेजोगे ना मैं देखूंगी भी नहीं, मतलब उस पर कितना भरोसा है। ही वुड बी द बेस्ट ना आउट ऑफ द लॉट। एंड ये एशियन पेंट्स ने मोल्टेक पैकेजिंग को दिया है ग्रीन चैनल रिकग्निशन, जिसकी वजह से एशियन पेंट्स को क्या एडवांटेज है, QC के लिए उसको एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ेगा, टाइम बच गया उसके लिए, उसके लिए भी टाइम टर्न अराउंड टाइम कम हो जाएगा। बट वो क्यों ये कर पा रहा है, क्योंकि मोल्टेक का प्रिसिशन लेवल उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ उन्होंने मोल्ड्स जो है, मोल्ड्स है, लेबल का डेवलपमेंट है, उसके लिए भी मशीनरी लगेगा, वो भी इन्होंने इनहाउस कर दिया है। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कितने अच्छे से सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया है, उनको आउटसोर्स करना ही नहीं पड़ेगा। अब ये कॉम्पिटिटर आता है, कॉम्पिटिटर क्या करता है, 5 करोड़ में लेता है एंड बाकी का मशीनरी भी लेता है। ये लोग इनहाउस ही कर चुके हैं सब कुछ, तो कौन सस्ते में बेच पाएगा, प्रॉफिट्स के साथ कौन बेच पाएगा? मोल्टेक पैकेजिंग, वो भी प्रिसिशन लेवल भी सबसे ज़्यादा, तो कॉन्ट्रैक्ट्स कौन बैक कर पाएगा? मोल्टेक पैकेजिंग की वो लोग, मोल्टेक पैकेजिंग। एंड विद टाइम ये बैरियर्स टू एंट्री बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन उतना ही अच्छा हो जाएगा, प्रिसिशन लेवल टू दी पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है? इसके लिए ये लो कॉस्ट में बेच पा रहा है विथ सस्टेनेबल प्रॉफिट्स, दैट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब इट्स लाइक सेइंग डीमार्ट का बिजनेस कैसा है, सबसे सस्ता विथ प्रॉफिट्स। वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे सस्ता तो कोई भी बेचेगा, बट सबसे सस्ता विथ प्रॉफिट्स बेच पा रहे हो क्या, वो है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। एंड वो उन्होंने अचीव किया है इस प्रोसेस के थ्रू। समझ में आ रहा है? अभी है ना, आपको इसका रॉ मटेरियल के बारे में भी बता देता हूँ कि ऑब्वियसली इट इज प्लास्टिक, राइट? तो इधर रॉ मटेरियल क्या लगेगा, पॉलीमर। तो इनका मेजर जो है 95% जो रॉ मटेरियल है, 100 में से 95% उनका जो पॉलीमर है दैट इज पॉलीप्रोपिलीन को पॉलीमर। आपको सिर्फ समझना है पॉलीमर है, ठीक है? एंड वो क्रूड ऑयल से होता है। समझ में आया? तो बेसिकली इनका मेजर सप्लायर कौन है, रिलायंस है। वो 95% जो है रॉ मटेरियल, उसका 80% जो है ना रॉ मटेरियल वो कौन दे रहा है, रिलायंस दे रहा है। पॉलीप्रोपिलीन जो है वो 80% कौन दे रहा है, रिलायंस दे रहा है, बाकी का 20% लोकल डीलर्स दे रहे हैं उसको। तो ये इनके लिए थोड़ा रिस्क है कि उनका जो सप्लायर है वो एक ही सप्लायर है 80%। बट क्या हो गया, यहाँ पे बार्गेनिंग पावर किसको आएगा, रिलायंस के पास है बार्गेनिंग पावर, क्योंकि 80% वो सप्लाई कर रहा है। उसको पता है कि कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मतलब मोल्टेक को प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली मोल्टेक इज ऑल्सो ट्राइंग कि लोकल सप्लायर्स मिले, बट कैसा है ना, आपको ये भी समझना है, मे बी वो लोकल सप्लायर से और ले भी सकता है, बट इन लोग का इतने पास्ट 20-30 ईयर्स से चल रहा है ना ये रिलायंस के साथ टाइप, तो आइडियली इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, आई वुड वॉन्ट कि 50% तक आए डिपेंडेंसी। बट कैसा है, इनको प्राइजिंग भी अच्छा ही मिलता होगा अभी, क्योंकि 20-30 ईयर्स से ये लाइन में उन लोग। इतना समझ में आया आपको, 100%। एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, नॉर्मली B2B बिजनेस में ना, अगर आप पोर्टर्स 5 फोर्सेस देखोगे ना, उन लोगों को बार्गेनिंग पावर रहता ही पावर रहेगा ही नहीं, सप्लायर भी नहीं रहेगा, कस्टमर के लिए भी नहीं रहेगा। बट इनका थोड़ा केस डिफरेंट है, भले रिलायंस के पास बार्गेनिंग पावर आ जाता है, ऐसा नहीं है कि इनके पास कस्टमर्स के साथ बार्गेनिंग पावर है ही नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली B2B बिजनेस के पास नहीं होता है, बट इनके पास है, क्योंकि आपको समझना है। एग्जाम्पल साइड करता हूँ, एशियन पेंट्स का ऑलमोस्ट 50% वॉल्यूम ये लोग ही देते हैं, पूरा एशियन पेंट्स का। तो कल को ये लोग ने भी हाथ खड़ा कर दिया, तो एशियन पेंट्स को उतना ही हार्ड है सब कुछ वापस नया सप्लायर ढूंढने का। समझ में आ रहा है आपको? उतना ही डिफिकल्ट होगा, उतना ही उनको टर्न अराउंड टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो क्या होता है ना, कभी भी पॉलीमर का प्राइस बढ़ता है तो इन लोगों का कॉग्स बढ़ जाएगा, COGS बढ़ जाएगा, बट ये लोग है ना इफेक्टिवली पास ऑन कर पाते हैं वो प्राइजेस किसको, कस्टमर को, जो बहुत ही बड़ी बात है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है इनके पास बार्गेनिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है, समझा? बट देन टू, ये बिजनेस का अगर आपको ड्राइवर देखना, दैट इज वॉल्यूम्स, नॉट मार्जिन्स। बट इनका मार्जिन्स भी अच्छा है कॉम्पिटिटर से। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये लोग रॉ मटेरियल का प्राइजेस काफ़ी इफेक्टिवली पास ऑन कर पाते हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा पूरा 100% कर पाते, बट कर पाते। समझ में आया? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 3 मंथ्स रिव्यू करते हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स RIL रिलायंस के साथ भी, एंड जो कस्टमर्स हैं उनके साथ भी वो लोग प्राइस रिवाइज करते जाते हैं। जैसे जैसे क्रूड का प्राइस बढ़ेगा कम होगा, ये लोग हेजिंग नहीं करते, ये लोग पास ऑन करते। क्योंकि देखो आपको समझना है, हेजिंग करने के लिए आपको एक टीम बिठाना पड़ेगा, उसका अलग कॉस्टिंग जाएगा, तो दे डोंट प्रेफर दैट। एंड कस्टमर्स भी दे आर विलिंग टू बाय एट दैट प्राइस ना, तो दैट इज़ फाइन। समझ में आ रहा है? एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो ये लोग फॉलो करते हैं,
जो उन्होंने तभी यूएई के टाइम पे फॉलो नहीं किया था, तो अभी वो लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अभी आपको समझना है ये कंपनी करता क्या है। अभी सपोज एशियन पेंट्स अपना मैसूर में प्लांट डाला है, जहाँ पे वो क्या करता है, डेकोरेटिव पेंट्स बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, पेंट्स मैन्युफैक्चर करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, मैसूर के बाजू में ही अपना प्लांट डाल देंगे। मैसूर का जहाँ प्लांट है ना एशियन पेंट का, उसके बाजू में प्लांट डाल देंगे। बट वो प्लांट कब डालेंगे, जब उनके पास मिनिमम 40-50% कैपेसिटी का ऑर्डर आया। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे एक प्लांट डालते हैं वो लोग, जिसका सपोज 1000 मेट्रिक टन है, समझ में आ रहा है, उतना उनको वॉल्यूम्स बना सकते उधर से, उतना कंटेनर बना सकते साल का। अगर उनको है ना रीजनेबली 40-50% का मिनिमम ऑर्डर आया ना, तो ही वो लोग प्लांट वहाँ डालेंगे, नहीं तो डालेंगे भी नहीं। समझ में आ रहा है क्यों ये करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर प्लांट डाल दिया, ऑर्डर ही नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग पहले प्लांट डालेंगे और फिर ऑर्डर के लिए रुकेंगे। वो लोग पहले ऑर्डर लेंगे, 40-50% तो कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, और फिर जाके वहाँ पे वो लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना प्लांट। समझ में आया। और एक बार प्लांट डाल दिया तो बहुत कम चांस है कि एशियन पेंट्स किसी और के साथ कराएगा, एंड एशियन पेंट्स का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि उनको ग्रीन चैनल मिल गया है। याद है मैंने इसके पहले आपको एक पॉइंट बोला था IML के इसमें, कि क्वालिटी वॉल्स एकदम प्रीमियम अपना प्रोडक्ट बनाएगा IML के थ्रू, वो प्रोडक्ट लेबल दोनों एक ही लगेंगे, उसके वजह से कस्टमर्स को अच्छा लगेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, क्वालिटी वॉल्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली देखो टेस्ट सब कुछ मैटर करता है, बट एस्थेटिक्स भी मैटर करता है, बराबर है। तो क्या करेंगे कॉम्पिटिटर्स भी, मैंने क्या बोला था, वाडीलाल है, अमूल है, ये लोग भी क्या करेंगे, नेचुरल आइसक्रीम, ये लोग भी IML में जाएंगे। यही हुआ था एशियन पेंट्स में, एशियन पेंट्स ने IML किया, अभी वो कैंसा नेरोलैक बर्जर, ये लोग भी IML कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, किससे करा रहे हैं, मोल्टेक पैकेजिंग से करा रहे हैं। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं बिजनेस सेगमेंट्स में। फर्स्ट है पेंट्स पैकेजिंग सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या है, उनका मेजर जो सबसे बड़ा कस्टमर वो कौन है, एशियन पेंट्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसे समझो, देखो क्वांटम अगर आपको समझना है, एशियन पेंट्स है ना पूरे साल में 13 लाख किलोलीटर प्रोड्यूस करता है डेकोरेटिव पेंट्स अपना, समझा। उसमें से 50% ऑलमोस्ट 50% मोल्टेक पैकेजिंग सप्लाई करता है कंटेनर में। आपको समझ में आ रहा है क्या क्वांटम पे है। तो उन लोग जो सेल्स है, टोटल सेल्स है इन लोगों का, ठीक है, 438 करोड़ के आसपास जो है, उसका 35% एशियन पेंट्स के थ्रू आता है। समझ में आ रहा है आपको। तो सबसे बड़ा इसके अगेंस्ट जो लोग बोलते हैं ना मोल्टेक पैकेजिंग के अगेंस्ट, वो ये है कि 35% एक कस्टमर से आ रहा है। ये बहुत बड़ा की मैन रिस्क है, की कस्टमर रिस्क है, नॉट की मैन, की कस्टमर रिस्क है, बराबर। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या एशियन पेंट्स अपना कॉन्ट्रैक्ट उड़वाएगा जिसने उसको ग्रीन चैनल रिकग्निशन दिया है। बिल्कुल नहीं, बहुत ही ब्लीक चांस है। एंड ये भी रिस्क है क्या कि एशियन पेंट्स डूबेगा, नहीं, पेंट्स में किंग कौन है आज के तारीख में, एशियन पेंट्स। तो ये रिस्क अगर आप है ना बिजनेस वाइज सोचोगे, अगर आप सिर्फ स्टैंड अलोन में देखोगे कि 35% एक कस्टमर से आता है तो रिस्क लगेगा आपको, बट किसको दे रहा है वो भी तो देखो, कस्टमर कौन है एंड उन लोगों का क्या रिलेशन है वो भी तो देखो। तो अगर वो लॉजिक लगाएंगे ना तो आपको समझेगा कि वैसा एक्चुअल में रिस्क नहीं है। इसके लिए ये पॉइंट यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है। आज के तारीख में लगभग 50-55% पूरे सेल्स का पेंट्स के थ्रू आता है, बट ये लोग है ना एक्टिवली ट्राई कर रहे हैं कि फूड्स एंड FMCG को बढ़ाते जाए। ऐसा नहीं कि पेंट्स नहीं बढ़ाएंगे, बट सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन से सेक्टर में, कौन से सेगमेंट में, फूड्स एंड FMCG। बट एज ऑफ नाउ कितना है, एज ऑफ नाउ 55% कहाँ से आ रहा है, पेंट से आ रहा है, क्लियर है। वॉल्यूम्स भी अराउंड 55% पेंट से आ रहा है, क्लियर है। वही पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखा है, याद है मैंने बोला था नेरोलैक एंड बर्जर पेंट्स हैव नाउ स्विच टू IML, वही पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना आपको समझना है, मोल्टेक है ना ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के बारे में बात करता है बहुत बार, ठीक है। ग्रीन फील्ड मतलब ऑर्गेनिकली ग्रो करना, फाइनेंस के लैंग्वेज में ग्रीन फील्ड मतलब ऑर्गेनिकली ग्रो करना, ब्राउन फील्ड मतलब एक्वायर करके करना। ये लोग के टर्म्स में थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। अभी आपको समझना है पेंट्स का जो है ना मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 70-75% कैपेसिटी पे चलता है मोल्टेक का। समझ में आ रहा है, मतलब अगर वो लोग 1000 मेट्रिक टन का डालते तो अराउंड 700-750 एक्चुअली यूटिलाइज होता है, विच इज़ नॉट बैड पर से, बट ऑब्वियसली 80% तक भी जाता है सबसे बेस्ट इसमें। तो वॉट दे आर ट्राइंग टू डू इज फूड्स एंड FMCG में 80% तक लेके जाने का उनका प्लान है। बट हैविंग सेड दैट, अभी पेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कैसे ये लोग काम करते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैसूर में प्लांट डालना है या सपोज सातारा में प्लांट डालना है, एशियन पेंट्स का सातारा में है,
उधर वो लोग अपना प्लांट डाल रहे हैं, ठीक है। कौन डाल रहा है? मोल्टेक पैकेजिंग अपना प्लांट डालता है। तो जब वो फर्स्ट टाइम डालता है तो उनको जो लैंड है वो लीज में या तो उनको खरीदना पड़ेगा, दोनों है बराबर। सपोज कर लेते कि वो लोग एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट खरीदते पूरा लैंड, ठीक है, लीज पे खरीदते, पूरा का पूरा उसमें मशीन तो नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा मशीन डालेंगे बराबर। तो जब वो फर्स्ट टाइम मशीन डालते हैं तो उन लोगों को, सपोज़ यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, 3000 टन डालना है, 3000 टन्स का उन लोगों को वहाँ पे प्लांट डालना है, जो 100% पे 3000 डालना है, तो उनको कितना खर्चा लगता है? 12 करोड़। तो उनका एक टर्नओवर क्या हो गया, एसेट टर्न्स कितना हो गया, 3000 उनका वॉल्यूम है, जितना भी इनटू प्राइस रहेगा तो सेल्स मिलेगा डिवाइडेड बाय 12 करोड़, तो उनको एक एसेट टर्नओवर मिलेगा या नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। उसके बाद लेकिन इनका एक्चुअल गेन कहाँ पे आता है मालूम है क्या? ब्राउन फील्ड पे आता है। आपको समझना है, देखो अभी कंपनी एक्सपेंशन फेज में है, वो बहुत सारे लोगों के साथ टाई अप्स कर रहा है, तो वो लोग कौन से प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं। तो जब भी उनको फर्स्ट टाइम प्लांट सेटअप करना पड़ता है, महंगा जाएगा उनको, फिर जब भी नेक्स्ट टाइम उनको और एक्सपेंड करना ना, अपना कैपेसिटी एक्सपेंड करना ना, तो सपोज कर लेते मैसूर जो भी है सातारा में उनको डालना था, पहले 3000 से चालू किया, फिर उनको एडिशनल 3000 डालना रहेगा ना, तो उनको वापस 12 करोड़ नहीं लगेगा, क्योंकि लैंड तो ऑलरेडी है ना, सिर्फ मशीनरी लाना है। तो वहाँ पे उनका एसेट टर्नओवर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा उनका, क्योंकि पहले उनको 3000 टन्स के लिए जनरेट करने के लिए 12 करोड़ लग रहा था, अभी और एडिशनल 3000 के लिए उनको सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ लग रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो बेनिफिट्स आप देखने वाले हो आज के तारीख में, अगर आप देखोगे टर्नओवर है ना, गिर रहा रहेगा इन लोगों का, क्योंकि ये लोग एक्सपेंशन फेस में है। बट एक बार वो सेटल हो गया एंड वो लोग जितना जितना ब्राउन फील्ड्स में जा रहे हैं, आप देखोगे कि फ्यूचर में उनका एसेट टर्नओवर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपको चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एंड उन्होंने अभी ब्राउन फील्ड लिया है किधर? मैसूर, वाइजैक एंड सातारा प्लांट्स में। समझ में आ रहा है? मतलब पहले उन्होंने ऑलरेडी एक बार डाल दिया है, अभी वो लोग ब्राउन फील्ड कर रहे हैं, मतलब कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उनका उतना खर्चा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो आप देखो ना, पहले 3000 टन्स के लिए 12 करोड़ लग रहा था, अभी सिर्फ 7 करोड़ लग रहा है, यानी कि 40% रिडक्शन कॉस्ट में, तो एसेट टर्नओवर ज़्यादा। समझ में आ रहा है कैसे ये चलने वाला है? कानपुर में भी वो लोग क्या करने वाले, बर्जर के साथ टाइप किया है, और बर्जर में वो लोग ने कैपेसिटी डाल रहे हैं वहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हैं, जिसका कैपेसिटी कितना है? 600 to 800 टन्स, कभी बाय 2020 नेक्स्ट ईयर तक 600 to 800 टन्स का डालने वाले बर्जर में। बट ये ग्रीन फील्ड होगा तो एसेट टन्स थोड़ा इफेक्ट होगा, बराबर है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा क्रोर्स लगेगा। एंड बाय 2023 उन लोग 3000 लेके जाना चाहते हैं, मतलब सपोज 800 डाला, उसके बाद वो लोग नेक्स्ट ईयर में 2200 एक्सपेंशन के लिए लगाने वाले, तो तभी उतना पैसा जाएगा क्या? नहीं। तो इन लोगों का ऐसे आप समझ सकते हो, नाउ इट इज 2021 राइट, 22, 23, 24 और 2 to 3 ईयर्स वो लोग ग्रो करेंगे 20-25% के आसपास। एक बार वो सेटल हो गया उसके बाद ये लोग काफ़ी हद तक मैच्योर इसमें आ जाएंगे, बराबर है ना, सब टॉप प्लेयर्स का उन्होंने तो डाल दिया है ऑलमोस्ट। तो फिर उसके बाद आफ्टर 2023-2024 क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म एवरेज पे ग्रो करेंगे ये लोग पेंट इंडस्ट्री का, विच इज़ अराउंड 10-12%। समझ में आ रहा है? तो वही लिखा हुआ है मैंने, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट पेंट इंडस्ट्री वुड बी ग्रोइंग एट 10-12% पोस्ट 2024। क्लियर है आपको? मतलब 50% उनका जो रेवेन्यू है वो अभी ग्रो करेगा 20-25% के इसमें 2023-24 तक, उसके बाद 10% पे करेगा, बराबर है? तो एक मैच्योरिटी फेज पे आ गया ना पेंट्स, आपको समझ रहा है? इसके लिए वो लोग FNF में जा रहे हैं, फूड जाइन FMCG को हम लोग FNF बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है इनका लूप सेगमेंट। अगर आप देखोगे लूप सेगमेंट कम होते जा रहा है, 2019 में 30% था, 2020 में 24% था, एंड ये ट्रेंड भी कम होते जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये सेगमेंटेशन आगे वापस में एक बार बताऊंगा रेवेन्यू ब्रेक्स करके क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे, बट यहाँ पे आपको समझना है इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग कि मेरा FNF और पेंट से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आपको समझना है ल्यूब्स है ना, ल्यूब्स में स्क्रीन प्रिंटिंग भी कराते हैं ये लोग एंड हीट ट्रांसफर भी कराते हैं, तो मार्जिन कम उस चीज़ का, बराबर। एंड ये है ना मैच्योर इंडस्ट्री है, ल्यूब्स है ना बहुत मैच्योर इंडस्ट्री में काम करता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो अगर ऐसे समझो 2020 में ऑलमोस्ट 25% रेवेन्यू किधर से आ रहा था? ल्यूब से आ रहा था। एंड वो जो 25% है वो कितने में ग्रो करेगा? 5 या 6% पे ही ग्रो करने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर इंडस्ट्री में है ल्यूब्स अभी। समझ में आ रहा है? तो 25% जो इनका रेवेन्यू है वो अराउंड 5-6% पे ग्रो करेगा, 50% रेवेन्यू है वो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए 20-25% पे ग्रो करेगा, फिर
अराउंड 10-12% पे ग्रो करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट में चलते हैं फूड्स एंड एफएमसीजी सेगमेंट। अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स क्या हो रहा है, 9 months का बढ़ा है। एंड अगर विद टाइम आप देखोगे ना, 2016 से 20 का डेटा देखोगे ना सेल्स का, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, आप देखोगे कि फूड्स एंड एफएमसीजी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 21% था एंड फिर 2020 में 23.1% है, ज़्यादा दिख रहा है। बट फिर भी 2020 एंड 2021 में प्रॉब्लम क्या हुआ है, उनका जो आइसक्रीम का सेल्स है ना वो ड्रास्टिकली गिर गया है, आइसक्रीम का सेल्स। ठीक है, आइसक्रीम एंड वो लिकेबल्स जो आता है वो, उसका सेल्स उनका ड्रास्टिकली गिर गया है। उसके बावजूद उनका 23% वैल्यू आ रहा है, समझा? अभी क्योंकि लॉकडाउन सब था तो वो लोग का ज़्यादा वो आइसक्रीम का बिका ही नहीं, समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन भी ज़्यादा उन्होंने इसके लिए किया ही नहीं, एंड प्रोडक्शन नहीं किया तो कंटेनर जाएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है? तो गोइंग अहेड ऑब्वियसली वहाँ से आएगा ही आएगा रेवेन्यू। 2019 का अगर आप देखोगे, 2019-2020 वो ईयर देखोगे तो सेल्स का काफ़ी मैसिव ग्रोथ था फूड्स में, जहाँ उनका आइसक्रीम का वो आइसक्रीम का हो गया, बटर का हो गया, सेल्स बहुत मैसिव था। एंड एडिबल ऑयल भी उनका एक सेगमेंट है जो 10 लीटर के इसमें डब्बे में आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आपको समझना है, फूड्स एंड एफएमसीजी है ना एक ऐसा है स्पेस जहाँ पे ये लोग को है ना प्राइस है ना ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। क्यों? क्योंकि वो लोग को बोल सकते हैं प्रीमियमाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड्स एंड एफएमसीजी में आता है। सेकेंडली, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है तो हाइजीन फैक्टर बहुत बड़ा चीज़ है, एंड गोइंग अहेड वो अच्छा ही होने वाला है, समझा? तो इसके लिए प्राइस रियलाइजेशन ये वाले सेगमेंट में ज़्यादा है, एंड राइटफुली सो उनका एबिटडा मार्जिन्स भी उसके वजह से ज़्यादा है। तो अराउंड 30-35% मार्जिन है उनका फूड्स एंड एफएमसीजी में। नॉन आईएमएल में अराउंड 12-14% है, समझ में आ रहा है? एंड आईएमएल फूड्स एंड एफएमसीजी में कितना है? 30-35%। ठीक है, एंड वही चीज़ लिखा है मैंने, हायर प्राइस रियलाइजेशन सब कुछ। एक उनका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, जो ऑब्वियसली वो लोग ट्राई कर रहे हैं ओवरकम करने के लिए एंड जो उन लोग कर भी रहे, वो ये है। सो देखो, ऐसे समझो, ये जो भी बड़े कंपनीज है ना, वो एक एक्सक्लूसिव सप्लायर नहीं रखता, अलाउड नहीं है बाय मैंडेट। उन लोग ने जब कंपनी फॉर्म किया रहेगा, उनका कंपनी का रूल्स रहेगा ना बहुत सारे, तो उनका एक बहुत सारे एमएनसीज का ये होता है कि वो एक एक्सक्लूसिव सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, समझ में आ रहा है? एंड मोल्टेक कैसा है कि मेजॉरिटी तो हम ही करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है एंड उन लोग अपना वहाँ पे कैपेसिटी डाल रहे हैं, तो वो कैपेसिटी का 60-70% तो उनको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो मोल्टेक के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ ना, HUL ने क्या किया, एक रास्ता निकाला। HUL ने इन लोग को ही मेजर सप्लायर बनाया एंड बाकी का 2-3 नॉर्मल छोटे कस्टमर्स को, सप्लायर्स को रखा जस्ट फॉर दैट मल्टी सप्लायर वाला चीज़, समझ में आ रहा है आपको? नेस्ले इंडिया नहीं कर पा रहा है टाइप, क्योंकि ये रीज़न के वजह से, समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्सक्लूसिविटी इन लोग को चाहिए, इन लोग बोलते हैं यार हम लोग को मेजॉरिटी चाहिए मोल्टेक, नहीं तो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बट नेस्ले अभी वो देख रहा है कि कैसे वो लोग उनके साथ टाइप कर सकते करके, समझ में आ रहा है? तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है, एंड ये लोग गोइंग अहेड कैसे टाइप्स करते ये भी हम लोगों को समझने का है। अभी HUL ने एक्वायर भी किया था हॉर्लिक्स, अभी हॉर्लिक्स का टाइप इनके साथ होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आप समझ रहे हो? हॉर्लिक्स ने GSK से लिया था, HUL ने GSK का हॉर्लिक्स को एक्वायर किया था, बट इन लोग का हॉर्लिक्स के साथ टाइप नहीं हो रहा है मोल्टेक का, तो अभी वो ट्राई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी ये लोग का ना फूड एंड FMCG में क्या क्या आता है, इन लोग का एक एडिबल ऑयल सेगमेंट है जो 10 लीटर वाला है, बाकी थिन वॉल्ड करके बोलते हैं, थिन वॉल्ड में क्या क्या आता है, अगर आप आइसक्रीम का देखोगे कंटेनर वो इतना थिक नहीं रहता है, समझ में आ रहा है? उसको थिन वॉल्ड बोलते हैं, थिन वॉल्ड पैक्स। उसमें क्या क्या आ जाता है, बटर का जो कंटेनर है, आइसक्रीम का कंटेनर है। ठीक है, इस पर्टिकुलर ईयर में क्या हुआ है, ये ईयर में आइसक्रीम का सेल्स का वाट लग गया है, समझ में आ रहा है? इसके लिए वहाँ पे आप देखोगे कि इस बार इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट गोइंग अहेड अगर घी का सेगमेंट जब उन्होंने चालू किया था, जो अभी का पोजीशन है अराउंड 10 करोड़ के आसपास आता है उनका, 10-12 करोड़ का सेल्स होता है। 3 years डाउन द लाइन वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये अराउंड 20-25 करोड़ होगा, विच इज़ 2x, विच इज़ अराउंड 25% ग्रोथ, राइट? आज के तारीख में 10-12 करोड़ का है उनका सेगमेंट सेल्स, 3 years में 20-25 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 20-25% ग्रोथ इन घी का सेगमेंट। स्वीट पैक्स एंड हिंज पैक्स, मतलब ऐसे समझो कि ड्राई फ्रूट्स जो होता है वो भी कंटेनर में पैक होता है, कैश्यू नट्स ये सब,
वो उनका आज के तारीख में अराउंड 10-11 करोड़ का बिजनेस है। वो 3 ईयर्स में कितना हो रहा है, 30-40 करोड़, मतलब 3-4x, मतलब ग्रोथ कितना हो गया, 35-40% टच कर रहा है ग्रोथ, समझ में आ रहा है। इन्होंने अभी एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट डाला है कहाँ पे, हैदराबाद में, दैट इज़ अ गुड साइन। ग्रीन फील्ड वो लोग कब डालेंगे, जब 40-50% कैपेसिटी मिनिमम आएगा। आपको ये समझना है कि ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एंड गोइंग अहेड वैसे ही होगा। एंड 10-15 करोड़ डाल रहे हैं, मतलब उतना कैपेसिटी जनरेट कर रहे हैं, उतना ऑर्डर आ रहा है उनको, ऑर्डर फ्लो आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये भी मैंने पॉइंट यहाँ पे डाला हुआ है, सेल्स ऑफ दिस सेगमेंट हैज़ बीन अफेक्टेड ड्यू टू लोअर सेल्स ऑफ आइसक्रीम एंड कैडबरी लिकेबल्स, समझ में आ रहा है। आगे ऑब्वियसली वो बढ़ने वाला है। एडिबल ऑयल का है ना ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, बट फिर भी ये लोग थोड़ा कॉशियस रह रहे हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा प्राइस ओरिएंटेड सेगमेंट है, थोड़ा भी प्राइसिंग इधर उधर हो गया ना तो वो लोग शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनता इसका। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये 10-10 लीटर का जो कंटेनर बना रहे ना, वो स्पेसिफिकली एडिबल ऑयल के लिए नहीं कर रहे, दे आर ट्रांजिशनिंग दैट इनटू व्हाट, वो लोग किधर किधर जा रहे, टी पैकर्स एंड डिटर्जेंट्स के पास भी जा रहे हैं, जो बल्क में डिटर्जेंट्स बेचते हैं, जो बल्क में टी पैकर्स रहते हैं ना, उनको भी 10-10 लीटर का जो कंटेनर है वो लोग सप्लाई करने चालू करने वाले आगे, या उन्होंने जस्ट चालू किया है। क्यों, क्योंकि वो थ्रेट है एडिबल ऑयल का। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो लोग 10-10 लीटर का बना रहे, एक पर्टिकुलर डे पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट का इशू आ गया, क्योंकि बहुत प्राइस कॉन्शियस है वो लोग, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो पूरा कैपेसिटी वेस्ट हो गया फिर, क्योंकि मोल्ड्स तो 10 लीटर के हिसाब से बनाया रहेगा ना, वो सेम मोल्ड थोड़ी हम लोग एशियन पेंट्स के लिए यूज़ कर सकते, नहीं कर सकते। तो इन लोगों को रिस्क क्या है कि भाई वो 10 लीटर का मोल्ड खराब हो गया तो गया, मतलब यूजलेस हुआ तो गया। तो क्या कर रहे हैं वो लोग, वो लोग बोल रहे हैं अच्छा एडिबल ऑयल का रिस्क है ना, प्राइस कॉन्शियस है ना, तो एक काम करते हम लोग, जो बाकी 10 लीटर्स का जो सप्लाई जो चाहिए रहेगा कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल ये टी पैकर्स एंड डिटर्जेंट्स, उन लोग के साथ भी टाई अप करना चालू कर देते, सो दैट हम लोग को एक की कस्टमर रिस्क नहीं होगा एक पर्टिकुलर मोल्ड के लिए, समझ में आया। तो ये सब कुछ जब हम लोग एग्रीगेट कर रहे हैं, मोटा मोटा कितने में ग्रो होने का बात कर रहे हैं, ग्रोथ इन फूड एंड एफएमसीजी इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 30%, बट ऑब्वियसली हम लोग को ये ट्रैक रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। मतलब लूप्स कितने में ग्रो होने वाला है, 5-6%, बराबर। पेंट्स 2-3 ईयर्स ग्रो करेगा 20-25, उसके बाद 10-12%। बट फूड एक ऐसा जगह है जो वो लोग ग्रो करते ही जा सकते हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत ही ज़्यादा है ना स्कोप। फूड एंड एफएमसीजी मतलब एक प्रोडक्ट नहीं आया, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए, समझ में आया आपको। अच्छा अभी फूड एंड एफएमसीजी में वो लोग एक नया चीज़ भी ऐड कर रहे हैं, विच इज़ पम्प्स का सेगमेंट, ठीक है। 2020 कोविड तो तभी सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा डिमांड में था, तो तभी इन्होंने डिस्पेंसर सैनिटाइजर्स बनाना चालू किया, ठीक है। एंड अभी वो लोग वही सेगमेंट में बढ़ने वाले, तो उसके लिए पम्प्स चाहिए, लॉक्स चाहिए, बहुत सारे चीज़ है, वो चीज़ वो लोग अभी बनाना चालू कर दिया है। अभी सब लोग को, अभी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि वो सैनिटाइज़र बेच रहे हैं, लेकिन सैनिटाइज़र का डिमांड तो 1-2 साल में कम हो जाएगा, होपफुली कोविड सब ठीक हो जाएगा तो 1-2 साल में कम हो जाएगा। बट इन लोगों का प्लान सिर्फ वो नहीं है कि सैनिटाइजर में जाए, ये लोग को अभी एफएमसीजी में किस में जाना है, शैम्पूज में जाना है, क्लिनिक प्लस शैम्पू एचयूएल, बराबर है। फिर हैंड वॉश, ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे हाथ धोते हो डेटॉल से, डेटॉल का लेबलिंग निकलता है, वो उसमें भी तो जा सकते इन मोल्ड आगे जाके, समझ में आ रहा है। इन लोगों का प्लान इट इज़ नॉट ओनली इन टू सैनिटाइजर, बट उनको पूरा उस सेगमेंट को केटर करना है, किसमें शैम्पू हैंड वॉश स्प्रेस सब में जाना है उनको, समझ में आ रहा है। अभी पम्प्स में इन्होंने क्या एडवांटेज बिल्ड किया है वो हम लोग समझते हैं। इसके पहले मैंने आपको प्रिसिशन के बारे में बात किया था, यहाँ पे वो लोग है ना ऑटोमेटिक फिलिंग फैसिलिटी भी देंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल शैम्पू तो जिधर भी है, सपोज क्लिनिक प्लस पकड़ते हैं, ये अभी तक टाइप नहीं हुआ है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एचयूएल का क्लिनिक प्लस जहाँ पे है उधर वो लोग अपना छोटा प्लांट डाल देंगे, एंड उधर से वो लोग ऑटोमेटिक फिलिंग भी चालू कर देंगे, कंटेनर भी कराएंगे, लेबलिंग भी हो जाएगा, फिलिंग भी करा देंगे पूरा का पूरा एक साथ, समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है, आपको समझना है शैम्पू एंड हैंड वॉश का ज़रूरी नहीं है कि वो जो रेडियस है वो सेम ही रहेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा पतला हो सकता है, थोड़ा थोड़ा वाइड हो सकता है, शैम्पूज़ का वाइड हो सकता है, हैंड वॉश का पतला हो सकता है, समझ में आ रहा है। वो पम्प्स के लिए ये वाला पार्ट, ये वाला देखो, किसी का मोटा थोड़ा पतला हो सकता है, राइट। इन्होंने ना ऐसा एक फीचर बनाया है, टेक्नोलॉजी बनाया है, जहाँ पे ना व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज 28 mm का जो कंपोनेंट्स है ना वो 24 mm में भी फिट करा सकते हैं, सो दैट कल को अभी 28 का इतना नहीं चला तो वो 24 में भी वो लोग डलवा देंगे, तो क्या हो जाएगा, उनका कैपेसिटीज प्रॉपर यूटिलाइज होगा, समझ में आ रहा है आपको। अगर सपोज ऐसे समझो
कि एक जगह पे वो लोग 100 मेट्रिक टन्स का कैपेसिटी डाले, वहाँ पे वो लोग 50-50 कर रहे हैं, 28-24, पर 24 का डिमांड आ रहा है, 28 का नहीं आ रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते, तुरंत स्विच कर सकते, 28 का ही कंपोनेंट्स 24 में डाल सकते, जिसकी वजह से उनका टर्नओवर गिरेगा नहीं। समझ में आ रहा है, सेम रहेगा या उल्टा बढ़ेगा, ये वो लोग अचीव कर पा रहे हैं उनके टेक्नोलॉजी के साथ। समझ में आ रहा है, बाकी कोई कंप्यूटर कर पा रहा है क्या? नहीं, ये लोग वो अचीव कर पा रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग नज़रअंदाज कर लेते हैं, वो ये है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है, देखो ठीक है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आ सकता है, जो भी कॉम्पिटिटर है ना, अभी आपको समझना है, शैम्पू के क्लिक्स होते हैं, हैंड वॉश के क्लिक्स होते हैं, हम लोग इतना सोचते नहीं है, बट आइडियली अगर आप एक लोगे ना प्रोडक्ट, डेटॉल फॉर एग्जाम्पल, वो 2200 से लेके 2600 क्लिक्स तक चलता है, उसके बाद ख़राब हो जाता है। हम लोग ये, हम लोग को पता नहीं है क्योंकि हम लोग इतना रिसर्च नहीं किया है। मोल्टेक पैकेजिंग क्या बोलता है, हम लोग ऐसा प्रोवाइड करेंगे आपको डिज़ाइन एंड एवरी थिंग इन सच अ वे कि हमारा क्वालिटी सबसे बेस्ट रहेगा, एंड हम लोग 4000 to 5000 क्लिक्स दे सकते हैं आपको। समझ में आ रहा है, 4000 to 5000 विदाउट डैमेज। उसके बाद वो लोग बोलते हैं, अभी नॉर्मली सबका ये आएगा, अरे चाइनीज़ प्रोडक्ट तो सस्ता मिलता है ना, सैनिटाइज़र तो अभी कितने में बिक रहा था लॉकडाउन के टाइम पे, 18-20 के आसपास, जब उन लोग को बनाना था 5 रुपया के लिए, उनको लगता है 5 रुपीज़ में वो लोग सेल करते, चाइना 5 रुपीज़ में दे सेल इट ऑफ, बट इंडिया में आते आते कितना होता है, इंडिया में आते आते इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है उस पर, वो 5 रुपया कितना हो जाता है, 6.5 रुपीज़ हो जाता है। समझ में आ रहा है, मोलटेक 6 रुपये में बेच पाता है, समझा, तो चाइनीज़ का भी थ्रेट नहीं है उनको, क्लियर है ना ये चीज़, वो लोग 6 रुपये में बेच पा रहे विथ प्रॉफिट्स, कितना प्रॉफिट्स, अराउंड 30-35% एबिटडा मार्जिन्स, 6 रुपया में एक बॉटल। समझ में आ रहा है आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्मली आता है, चाइनीज़ का थ्रेट है रहता है ना हमेशा प्रोडक्ट्स, ये सब प्रोडक्ट्स के लिए, एंड डिज़ाइन क्वालिटी भी वो लोग बेटर दे ही देंगे क्योंकि इन हाउस ही सब चल रहा है उनका। अभी है ना, एक मैंने यहाँ पे ये किया है, आपको इलस्ट्रेशन दिया है बना के, वो लोग का टारगेट है 3 साल में 100 करोड़ का सेल्स लाना पंप के सेगमेंट में टाइप्स करके। हम लोग का काम क्या है, ये देखना कि वो लोग टाइप्स कितना फास्ट कर रहे हैं, कितना इफेक्टिवली कर रहे हैं, कैसे टाइप्स कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना चाहिए हम लोगों को। तो एक रफ आइडिया है, अगर 16 करोड़ का हम केपेक्स करते हैं तो सेल्स कितना हो सकता है, अराउंड 54 करोड़। ये पूरा मैंने मैथ लगा के किया है, ठीक है, डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया था तो वो बस मैथमेटिकली मैंने किया है कि पर मंथ 75 लाख क्वांटिटी बिकेगा एंड टोटल क्वांटिटी पर एनम 9 करोड़ है, एंड एक वो लोग ऑन एन एवरेज 6 रुपीज़ में बेचेंगे, तो 9 × 6 54 करोड़ पे आता है सेल्स, मतलब टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा हो गया, 54 / 16 करोड़, वो मेरा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है, बराबर है, ये 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। वो लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो हैंड वॉश वाला है पूरा, मतलब पम्प्स वाला सेगमेंट है, अराउंड 80% to 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में जाएगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं यार, पेंट्स कितने पे जा रहा था, 70% 75%, और बहुत अच्छा रहेगा तो 80, तो मैंने बोला ये भी 75 पे ही रखते हैं, तो वो लॉजिक के हिसाब से मैंने किया, 16 करोड़ पे हम लोग का सेल्स कितना होगा, 40.5 करोड़। तो मैंने देखो मैंने क्या किया, 75 करोड़, 75 लाख जो है 100% पे, तो 75% पे कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने ये नंबर लाया, बराबर 56.25 लाख इंटू 12 × 6, तो 40.5 करोड़। तो इसका मेरा टर्नओवर कितना आ रहा है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 2.53, जो काफ़ी लॉजिकल लॉजिकल है, ये याद रखना ठीक है। एंड ये मैंने एक रफ आइडिया आपको दिया है कि 1 रुपया का अगर सेल होगा तो रॉ मटेरियल कितने में पड़ेगा, लेबर पार कितने में पड़ेगा, एंड एबिटडा कितना होगा। तो एबिटडा हमारा कितना हो रहा है, 2 रुपीज़ पर यूनिट, तो कितना हो गया मार्जिन, 2/6, 33%। समझ में आया आपको 100%, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट इज सेल्स ग्रोथ। अगर आप देखोगे 2016 से 2020 9% ग्रो किया है केगर, उसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज 9%, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट, इज बिकॉज उन लोगों का प्रीडोमिनेंटली पेंट से आ रहा था एंड लूब्स से आ रहा था। अभी क्या हो रहा है, उनका लास्ट टू ईयर से FNF से भी आ रहा है, एंड वो उनका सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल वाला सेगमेंट है, राइट। तो इन द कमिंग ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए तो हम लोग को देखना ही चाहिए कि ये सेल्स ग्रोथ लगभग 12 to 15% के बीच में ग्रो हो रहा है कि नहीं, अज्यूमिंग कोविड का सिचुएशन नहीं है, समझा आपको, वो हम लोग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स ग्रोथ अगर 9% से हुआ है तो नेट इनकम 12% से हुआ है, विच इज़ गुड। तो वॉट डज दिस इंडिकेट, कि DOLs है इन प्लेस, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फिक्स्ड कॉस्ट है, एंड सेल्स बढ़ रहा है तो मेरा नेट इनकम और ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है,
बराबर है, अच्छी बात है। सीएफओ का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 23% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बट आप देखोगे कि लीनियर ट्रेंड नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो ये पहले फिर थोड़ा कम हुआ है, फिर बहुत कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, बराबर, और फिर यहाँ पे। तो अगर ये वाला 2018 का अगर आप कैश फ्लो चेक करोगे, कैश फ्लो क्यों कम है, क्योंकि इन लोगों का 2018 में डेटर डेज था ना, वो बहुत बढ़ गया था। मतलब वो लोग एफिशिएंटली कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने कस्टमर से, समझा, जिसकी वजह से क्या हुआ, पैसे नहीं आए, प्रॉफिट आया पैसा नहीं आया, इन्वेंट्री भी थोड़ा उनका फिनिश गुड्स में रह गया था, समझ में आ रहा है। बट उन्होंने 2019 एंड 2020 में वो चीज़ को रिवर्स किया, विच इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट, समझ में आया आपको। तो ये चीज़ से ये समझ में आता है। एंड सेल सेगमेंटेशन जो मैंने बोला था ना, लास्ट 5 ईयर्स का मैं बताऊंगा, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो देखो पेंट 62 से 52 हो गया है, एंड ल्यूब्स 32 से 25 हुआ है। ल्यूब्स तो हम लोग को चाहिए कि विद टाइम मेरा कम होते जाए, देखो ऑर्डर्स हम लोग को उतना ही रहने वाला है लगभग, बट अगर FNF बढ़ गया मेरा सेगमेंट, तो ऑटोमेटिकली इसका परसेंटेज कम हो जाएगा। एंड FNF का क्या हुआ, देखो 6% से 23% हुआ है विद इन 3 ईयर्स। आई एम अज्यूमिंग ये 23% लगभग 40 to 45% के बीच में हो जाएगा 3 to 4 ईयर्स में, समझ में आ रहा है, क्योंकि उनका घी बिजनेस बढ़ेगा, कैश्यू नट्स ड्राई फ्रूट्स वाला बढ़ने वाला है, पम्प्स एक नया सेगमेंट आने वाला है जो नेक्स्ट 3 ईयर्स 4 ईयर्स में 100 करोड़ का पोटेंशियली सेल्स देने वाला है, राइट। एडिबल ऑयल है, आइसक्रीम है, लिकेबल्स है, समझ में आया आपको। अच्छा तो अभी नेक्स्ट इसमें चलते हैं, जो है सेल्स अपॉन केजी एंड एबिटडा अपॉन केजी, ये ना मेट्रिक जो है ये मोलटेक पैकेजिंग का मैनेजमेंट देता है, सेल्स बाय केजी, एबिटडा बाय केजी। अभी है ना मैं आपको है ना इसका रीज़न बताता हूँ कि क्यों मैनेजमेंट ये वाला डेटा स्पेसिफिकली देता है, एंड क्यों ये पूरा ट्रूथ बताता नहीं है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। तो इसके लिए मैंने एक और डाला है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, डेलिब्रेटली आपको बताने के लिए। मैं ना आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, ऐसे समझो कि 100 टन का कैपेसिटी आपने डाला, ठीक है, एग्जाम्पल 100 टन का आपने कैपेसिटी डाला, उसमें से सेल्स हो रहा है 200 रुपया, तो कितना हो गया पर केजी, कितना हो गया 2 रुपया, बराबर ना 200 बाय 100 बराबर है, सिंपल, इसमें पर केजी मेरे को 2 रुपया मिल रहा है। बट ये 100 केजी में से सिर्फ 50 केजी यूटिलाइज हो रहा है, मतलब 50% ही यूटिलाइज हो रहा है, तो मेरा सेल्स कितना हो रहा है 100, ठीक है, तो मेरा सेल्स बाय केजी फिर भी कितना दिखेगा, 100 बाय 52 ही दिखेगा। बट उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का आ रहा है क्या पर्सपेक्टिव, नहीं आ रहा है, एंड वही यहाँ पे प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का पर्सपेक्टिव आ ही नहीं रहा है सेल्स अपॉन केजी में एंड एबिट अपॉन केजी में, जो कि वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, 100 किलोज का है कैपेसिटी एंड आप बना रहे हो 50 का ही, तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना, है कि नहीं, आपका टर्नओवर इफेक्ट हो रहा है ना, बट वो सेल्स अपॉन केजी और एबिटडा बाय केजी में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, समझा। अभी क्यों मेरे हिसाब से मैनेजमेंट ये कर रहा है, बिकॉज अभी वो ग्रोथ फेस में है, समझ में आ रहा है, अभी वो ग्रोथ फेस में, तो उसका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर गिरने ही वाला है, सिर्फ ऑब्वियसली सिर्फ वही रीजन नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको समझना है। देखो यहाँ पे अगर आप सेल्स बाय केजी देखोगे, पहले तो ये 3 ईयर्स का लिया है एंड फिर 9 मंथ लिया है, सेल्स अपॉन केजी 2020 में गिर गया है, क्योंकि उनका आइसक्रीम बिजनेस गिर गया था, लिक्विड्स गिर गया था, जिसमें उनको सबसे ज़्यादा प्राइस रियलाइजेशन होता है, समझ में आ रहा है आपको, तो वो गिर गया है, एबिटडा भी गिर गया था। बट अभी 9 मंथ्स का आप डेटा देखोगे तो सेल्स पर केजी 172 है, लेकिन एबिटडा पर केजी 34 है, जो सबसे ज़्यादा है, इस बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से वेस्टेजेस है ना बहुत कम से कम किया, उन्होंने ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत अच्छे से संभाला एंड वेस्टेज भी बहुत कम किया है, ये मैनेजमेंट ने खुद डिस्क्लोज किया था, समझ में आ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, मेरे को आगे का ट्रेंड्स देखना पड़ेगा, नेक्स्ट 2 ईयर्स का क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, अगर FNF बढ़ रहा है तो बाई डिफॉल्ट मेरा एबिटडा बाई केजी बढ़ना ही चाहिए, बट यहाँ पे वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का आ रहा है क्या कंसेप्ट, नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और मेट्रिक डाला, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, समझ में आ रहा है, फिक्स्ड एसेट मतलब आपका केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ, जो सेल्स हो रहा है डिवाइडेड बाय मेरा जो भी नेट प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अगर आप देखोगे 2016 में कितना था, 4.06, आज की तारीख में कितना है, 2.27, एंड ये गिरते हुए ट्रेंड में है, विच इज़ ऑब्वियसली अ रेड साइन, रेड फ्लैग ही है ये, ठीक है। अभी इसका पॉसिबल रीज़न क्या है, इसका पॉसिबल रीज़न क्या है कि ग्रोथ फेस में वो तो बहुत जगह पे जो कर रहा है वो ग्रीन फील्ड पे, तो 40 to 50%, 60% कैपेसिटी पे कर रहा है वो, राइट। अभी वो पम्प्स में भी उसने पैसा डाला है, बट वो मेटेरियलाइज होने के लिए टाइम लगेगा ना, आगे हम लोग देखेंगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो है ना इसका, प्रोस्पेक्टस जो है वो लोग QR कोड में जाने वाले,
ठीक है, IML QR कोड उसमें जाने वाले हैं, उसके लिए 10 करोड़ उन्होंने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है, बट उस तरह से सेल्स आया नहीं है कुछ, तो इसके वो भी रीज़न है कि उनका टर्नओवर गिरा है। प्लस UAE का बिजनेस था, वहाँ पे कैपेसिटीज पहले थे, वो यहाँ पे लेके आ गया, वो लॉस किया, तो वो सब कुछ मिला के ना, अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज उनका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर गिर रहा है, विच इज़ अ बैड साइन। एंड गोइंग अहेड FNF बढ़ेगा, तो ये वाला मेट्रिक बढ़ना ही चाहिए। तो ये एक चीज़ है जो आपको नोटिस करना चाहिए ये बिज़नेस के बारे में, कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर उसका गिर रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ का आपको बहुत कॉशियसनेस रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप देखोगे डेट टू इक्विटी ऑन एन एवरेज वो 0.54 है, नॉर्मली स्मॉल बिजनेसेस के लिए ज़्यादा रहता है। वॉट वी डू इज़ वी ट्राई टू अवॉइड कंपनीज विथ हाई लेवरेज, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इंटरेस्ट कवरेज उसका 5 के ऊपर ही चल रहा है, कंपनीज कैश फ्लो पॉजिटिव है, CFO भी मतलब काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही चल रहा है, तो इतना बड़ा रिस्क है नहीं है कंपनी के लिए। बट हैविंग सेड दैट, आई वुड वॉन्ट कि डेट कम हो, एंड वही उन्होंने किया है, उन्होंने राइट्स इशू किया अक्टूबर नवंबर में, एंड वो राइट्स इशू किया है कुछ 72 करोड़ का, एंड वो 72 करोड़ कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उन लोग, जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए, एंड मेजोरिटी 50 करोड़ का वो लोग डेट वापस रीपे कर रहे हैं। वो क्यों रीपे कर रहे हैं वो थोड़े टाइम पे मैं बताता हूँ, समझ में आया आपको? तो दैट इज़ अगेन अ गुड साइन फॉर अस। वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने बोला है कि 15-16% से वॉल्यूम उनका ग्रो होने वाला है, ठीक है, तो वॉल्यूम उनका 38,000 FY 2020 के लिए था, वो लोग 15-20% बोल रहे हैं, मतलब क्या होने वाला है 2025 में 77,904 होने वाला है उन लोगों का, समझ में आया आपको? अभी ऑब्वियसली हम लोग को ये ट्रैक करना पड़ेगा कि ये लाइन इन लाइन जा रहा है कि किधर कुछ डिविएट हो रहा है। ज़्यादा बढ़ गया तो एक बार के लिए ठीक है कि वो लोग एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे हैं, बट हम लोग को देखना है कि कम तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोग ने प्लान किया रहेगा ना किसके साथ टाई अप करना है FNF में, तो ये चीज़ अगेन बहुत क्रिटिकल हो जाता है। स्मॉल बिजनेसेस में यही चीज़ है, हम लोग को ना बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ माइन्यूटली देखना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी अभी बहुत अच्छा है तो चलो डाल दिया एंड छोड़ दिया, ये नहीं कर सकते हम लोग स्मॉल कंपनीज़ के लिए, हम लोग को क्वार्टरली रिजल्ट फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कवरेज तो बोल दिया, उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स इज वॉट? रिटर्न ऑन एसेट्स इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन्स एंड एसेट टर्न ओवर। अभी आपने देखा कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर नीचे जा रहा है, मतलब एसेट टर्नओवर भी तो नीचे जा रहा है, एसेट टर्नओवर नीचे जा रहा है लेकिन ROA इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, क्यों मालूम है क्या? क्योंकि उनका फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहेगा, समझ में आ रहा है? ROA इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन्स एंड एसेट टर्नओवर। इनका एसेट टर्नओवर तो गिर रहा है, आपने देखा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर गिर रहा है तो एसेट टर्नओवर भी गिरता होगा, तो उनका फिर भी ROA देखो 12 का 10 ही हुआ है, 12.81 का 10.42 ही हुआ है, इतना ज़्यादा गिरा नहीं क्योंकि उनका मार्जिन ज़्यादा रहेगा। तो अभी इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने DuPont एनालिसिस किया, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है उनका 19.2%, 16 में कितना था 19.5, 2020 में 19.2, यानी कि गिरा नहीं है एक्चुअली, मतलब बीच में गिरा था बराबर। तो अभी हम लोग देखते, ROE तीन जगह से आता है राइट, एक नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक एसेट टर्नओवर एंड थर्ड है लेवरेज। मुझे नहीं चाहिए कि ये कंपनी लेवरेज के थ्रू ही ग्रो, मेरे लिए वो अच्छी बात नहीं है, बराबर है? नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो 7.74 से 8.54 आया है, विच इज अ गुड साइन। एंड गोइंग अहेड FNF बिजनेस अगर बढ़ेगा, FNF का मार्जिन ज्यादा है सबसे, तो 30 टू 35% एबिटडा मार्जिन है ना, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी तो बढ़ेगा मेरा, तो गोइंग अहेड आई थिंक ये 11 टू 12% के बीच में जा सकता है नेक्स्ट 3 ईयर्स में ना, 11 टू 12% के बीच में जा सकता है। एसेट टर्न्स आगे जाके ब्राउन फील्ड में वो जाएंगे तो एसेट टर्नओवर बढ़ना चाहिए, तो ये चीज़ भी मुझे देखना है। तो अगर आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि 1.22 का अराउंड 1.5-1.6 के बीच में जा सकता है नेक्स्ट, अगर आप 2 टू 3 ईयर्स है 1.5 1.6 1.7 तक जा सकता है इनका, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना जा सकता है इनका, लगभग एक 11 से 12%। ROE जो अभी उनका 19.2 है, दैट इज बिकॉज उनका लेवरेज भी देखो कितना है 1.85, अभी वो लोग 50 करोड़ दे रहे हैं तो लेवरेज गिर जाएगा पूरा, अगर डेट को रीपे कर रहे तो लेवरेज, तो अभी फाइनेंशियल लेवरेज कितना हो जाएगा 1.2 के आसपास राइट। तो अभी एक बात बताओ, गोइंग अहेड अगर इनका 2 टू 3 ईयर्स में मार्जिन से एक लगभग 11% ले ले, थोड़ा कंजर्वेटिव रहते 11% रखते, एसेट टर्न्स इनका एक अराउंड 1.5 रखते, लेवरेज उनका कम हो जाएगा 1.2, क्योंकि अभी राइट्स इशू किया है उन्होंने तो वो अभी रिफ्लेक्ट करेगा एनुअल रिपोर्ट में राइट, तो 1.2 कर दो, तो एक बार देखो नेक्स्ट 3 ईयर्स में उनका ROE लेवरेज कम रख के कितना होगा, तो 11% इंटू 1.5 इंटू 1.2,
तो लगभग एक 19.8-20% के बीच में आरओई आना चाहिए उनका विदाउट लेवरेज, विच इज अ गुड थिंग. अगर ऑप्टिमिस्टिकली करे 12% अगर कर दूं मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन को, एसेट टर्न्स को 1.7 कर दूं, फाइनेंशियल लेवरेज को 1.2, तो मेरा आरओई अराउंड 24-25% पे चला जाएगा, विच इज़ वेरी गुड. ठीक है, अभी है ना, आपको ये समझना है, यहाँ पे मैंने इवन दो फूड एंड एफएमसीजी में 30-35% रखा है, तो भी मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन क्यों 11% रखा है, इज बिकॉज वो वेटेड एवरेज होगा एंड वो एबिटडा लेवल पे 30-35% है, राइट. उसके बाद डेप्रिसिएशन आएगा, इंटरेस्ट आएगा, बहुत सारी चीज़ें. इंटरेस्ट तो अभी कम हो जाएगा, बट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आएगा ना, एंड वो वेटेड एवरेज होगा क्योंकि 30-35 फूड का इसमें से आ रहा है, पेंट्स और ल्यूब्स का तो कम है ना. समझ में आया आपको? फिर भी गोइंग हेड, अगर हम लोग कंजर्वेटिवली भी जो कंपनी बोल रहा है वो अगर होगा ना, तो हम लोग का 19, अभी जो 19.2 है ना, उतना तो वो अचीव कर ही लेगा विदाउट द लेवरेज पार्ट, विच इज़ वेरी गुड. ठीक है, इन्वेस्टर्स लाइक कंपनीज जिसमें डेट कम है. समझ में आ रहा है? 100%. ओके, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल रेशियोज. यहाँ पे अगर आप देखोगे 2018 में ना प्रॉब्लम हुआ था. देखो, इन्वेंट्री डेज बढ़ गया है, ऑन एन एवरेज 55-60 का इन्वेंट्री डेज है, 2018 में 72. डेटर डेज भी कितना हो गया था? 76, क्योंकि देखो सीएफओ कम हो गया था क्योंकि पेमेंट का प्रॉब्लम आया था. लेकिन आप अगर आगे देखोगे, यही दो सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है यहाँ पे, अगर आप आगे देखोगे डेटर डेज कम किया है, यानी कि कंपनी ने इफेक्टिवली पैसा लेना चालू कर दिया, एफिशिएंटली वो लोग पैसा जल्दी ले रहे हैं बेसिकली, 53 डेज में ऑन एन एवरेज पैसा वो लोग ले रहे हैं. तो अगर आप समझोगे 2018-17 वो तब टाइम पे क्या हो रहा था, या 19 में भी फॉर दैट मैटर क्या हो रहा था, बहुत सारा पैसा कलेक्ट करना बाकी है, इन्वेंट्री भी लेट बिक रहा है, यानी कि बहुत सारा पैसा इन्वेंट्री में अट गया है, एंड बहुत सारा पैसा आना बाकी है डेटर से, जिसके वजह से मेरा कैपिटल एफिशिएंसी कम हो गया है. बराबर है ना? इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो मेरे को पैसा तो लगेगा ना, तो वो पैसा लगने वाला है ना शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए, वो हम लोग डेट से ले रहे थे. समझ में आ रहा है? बट अभी कंपनी को क्या लग रहा है? कंपनी को ये लग रहा है कि हम लोग अभी एफिशिएंटली कलेक्ट कर सकते हैं गोइंग अहेड. समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ज़्यादा पैसा अटकेगा नहीं वर्किंग कैपिटल में, तो वो लोग बोल रहे हैं अभी डेट नहीं लेंगे, हम लोग राइट्स इशू करेंगे, पैसा लेंगे और डेट रीपे करेंगे. अभी रेड फ्लैग कब होगा आगे जाके? जब ये डेटर डेज वापस बढ़ेगा ना, तो फिर उनका वापस पैसा अटक गया, और फिर अगर वो वापस डेट लेंगे तो राइट्स इशू का तो कुछ मतलब ही नहीं बनेगा. समझ में आ रहा है आपको? तो ये अगेन एक चीज़ है जो आपको देखना है कॉशियसली. परफेक्ट, समझ में आया? देखो कैश कन्वर्जन साइकिल भी क्या हुआ है, 125 था 2018 में, अभी 93 हो गया है, एंड गोइंग अहेड वो नीचे ही जाना चाहिए ट्रेंड, या एटलीस्ट वो स्टेबल रहना चाहिए 100 के ऊपर. आइडियली नहीं जाना चाहिए, एक आध साल गया तो अलग बात है, बट आइडियली नहीं जाना चाहिए. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ये लोग को है ना अभी क्यूआर कोडेड इन मोल्ड में जाना है, प्रोसेस में इन मोल्ड लेबलिंग. अभी ये क्यूआर कोडेड क्या होता है, तो ना एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं. अभी ऐसे समझो, नेचुरल्स आइसक्रीम तो सबको पता है, ठीक है, नेचुरल्स आइसक्रीम के जो कंटेनर रहेगा ना, उसमें एक क्यूआर कोड ऑटोमेट रहता ही है, जहाँ पे सेलर क्या करेगा, वहाँ पे वो क्यूआर कोड दे के डालेगा, ताकि क्या हो जाएगा, उस कितना प्राइस है, क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, एंड वो फिर वो बायर को देगा. बराबर है? अभी है ना, ये लोग है ना क्यूआर कोड इनमोल्ड लेके आ रहे हैं, यानी कि क्या रहेगा, एक क्यूआर कोड बाहर रहेगा ही, जिधर वो अपना सेलर डालेगा, ताकि उसको समझेगा कि अच्छा इतना प्राइस है, एंड भेज दिया. अभी वो मोल्ड है ना, जो पैकेजिंग है, उसमें वो लोग डेलिब्रेटली एक जगह रखेंगे टेयर करने के लिए. ठीक है, उसका रीज़न बताता हूँ. सो दैट जब सेलर क्या करेगा, अपना नॉर्मल क्यूआर कोड में डालेगा, प्राइस कितना समझेगा, उसके बाद वो जो टेयर करने का जगह है ना, वो पील ऑफ करेगा, एंड वो कस्टमर को देगा. कस्टमर क्या करेगा, वो जो क्यूआर कोड है ना, उसमें वो अपना मोबाइल डालेगा, सो दैट उसको है ना स्कीम्स या डिस्काउंट मिलेगा. तो फॉर एग्जाम्पल, वो एक कंटेनर लेता है, वो कंटेनर है 200 रुपीज़ का, तो जब वो क्यूआर कोड डालेगा, चेक करेगा, तो उसमें हो सकता है उसको कुछ डिस्काउंट मिले, मतलब नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा 200 नहीं, उसको दो कंटेनर लिया तो उसको शायद 300 रुपीज़ में मिले, या तो एक ऑफ मिल जाए, एक फ्री में मिल जाए. तो ये बायर को बेनिफिट है. तो सिंस ये बायर को बेनिफिट है, वो बायर वुड वॉन्ट टू सी कि वो क्यूआर कोड में क्या है. बट जैसे ये क्यूआर कोड वो डालेगा, जो अपना मेरे लिए कस्टमर है, मतलब मोल्टेक के लिए जो कस्टमर है, मोल्टेक के लिए कस्टमर कौन है, नेचुरल्स आइसक्रीम, नेचुरल्स आइसक्रीम को डेटा मिलेगा कि कितने साल का उम्र का लड़का है या लड़की है या जो भी है, उसके बारे में पूरा डेटा मिल जाएगा उसको. तो नेक्स्ट टाइम वो लोग जब एड्स रन करेंगे, उनके लिए टारगेटेड ऑडियंस पता है कौन है,
समझ में आ रहा है, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। एंड वो पील ऑफ करने का सिस्टम इसके लिए है ताकि डुप्लीकेसी नहीं हो। खराब हो गया ना अभी कंटेनर, मतलब डिफेक्ट तो हो गया ना, वो तुमने पील ऑफ कर दिया तो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके पहले कैसे होता था, लेबल्स निकालते थे और अपना लेबल्स डाल देते थे। अभी जब ये मोलटेक चालू कर दिया आईएमएल, उसमें ये हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है आपको, डुप्लीकेसी नहीं होगा। एंड मेन तो डुप्लीकेसी तो चलो सेकेंडरी है, मेन क्या है, उसको अपना कस्टमर का डेटा मिल रहा है अभी ये वाले से, हर एक चीज़ से। समझ में आ रहा है। एंड उसके लिए उन्होंने अभी 10 करोड़ का मशीनरी ऑलरेडी डाल दिया है। समझ में आ रहा है आपको। एंड ये अगर उन्होंने कर दिया, एंड ऐसे समझो नेचुरल आइसक्रीम को उसका बेनिफिट दिख रहा है, तो नेचुरल आइसक्रीम क्यों नहीं पे करेगा इसको ज़्यादा, समझा। एंड फिर कॉम्पिटिटर आने तक इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिल ही गया है। एंड वैसे भी इन मोल्ड में तो ये लोग स्पेशलिस्ट हैं एंड सबसे सस्ते में कर रहे, आपको समझा, बैरियर्स टू एंट्री कैसे बढ़ा रहे ये लोग, आगे जाके बढ़ने वाला है। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करने भी वाले हो ये कंपनी में या ट्रैक कर रहे हो, क्या क्या आपके लिए रिस्क है। सबसे पहले ना आपको FNF सेगमेंट है ना बहुत क्लोजली देखना है। अभी हम लोग ने देखा था पूरा वॉल्यूम्स 100 अगर टोटल मेट्रिक टन्स है, उसमें से 80% अभी भी किधर से आ रहा है, पेंट्स एंड ल्यूब से आ रहा है, बराबर लगभग 78%। तो 22% कहाँ से आ रहा है, FNF से। वी वुड वॉन्ट ना आगे जाके वो 22, 40, 45% हो, तो वो एक है सेगमेंट जो हम लोग को एक्टिवली फॉलो करना है। चेकआउट फॉर वॉल्यूम ग्रोथ इफ दैट इज बिटवीन 15-16%, वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं अचीव कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। वॉच आउट फॉर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि उसी से हमारा एसेट टर्न्स बढ़ने वाला है, ग्रीन फील्ड से नहीं बढ़ेगा। देखो ऐसा बुरी बात नहीं है ग्रीन फील्ड डालना, क्योंकि इवेंचुअली ब्राउन फील्ड होगा वो, बट फिर भी अभी वो जो भी ब्राउन फील्ड डाल रहे हैं उससे हम लोग को देखना है कि एसेट टर्न्स मेरा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, समझा, कि ये दोनों चीज़ें देखनी है। अभी है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि प्लास्टिक बैन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये आखिर में प्लास्टिक प्रोडक्ट है, तो प्लास्टिक बैन तो हुआ है एक, तो फिर अभी ये क्यों नहीं हो सकता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्लास्टिक बैन है ना 50 mm थिकनेस के नीचे जो है उसको बैन किया है। इन लोग का सबसे जो थिनेस्ट है ना, ठीक है, थिन वॉल्ड जो है आइसक्रीम्स के लिए, बटर के लिए, वो ही उनका 500 mm से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जितना प्लास्टिक का जो थिकनेस कम, उतना वो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा हार्मफुल है। समझ में आया आपको। तो एज सच प्लास्टिक बैन का कुछ इतना रिस्क नहीं है, बट हैविंग सेड दैट यू हैव टू बी ऑन दी लुकआउट कि कुछ हो रहा है क्या, प्लास्टिक एंटायरली बैन ना हाइपोथेटिकल है, नहीं हो सकता है, बट फिर भी ये अगर रिस्क तो है तो ये देखना है हम लोगों को। उसके बाद वॉच आउट फॉर प्लेज शेयर्स, ऑब्वियसली मैंने बोला था 3.42 है, वो 0 के टूवर्ड्स होना चाहिए आइडियली, नहीं तो हमेशा एक डर रहेगा ओवरहैंग का, कल को डिफॉल्ट किया उसने तो सीधा बैंक क्या करेगा, शेयर सीधा बेच देगा, सप्लाई बढ़ेगा, शेयर प्राइस नीचे, दैट इज़ अ रिस्क ऑब्वियसली। इन द नेक्स्ट 4 to 5 years डेट शुड बी रिड्यूस्ड, आइडियली शुड बी नियर जीरो या मतलब हार्डली 10% वैसे होना चाहिए। एंड वो अभी कर रहे हो, लोग ने राइट्स इशू करके कर लिया, तो वो रिस्क तो वैसे भी कम है। पम्प सेगमेंट्स मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट 3 years में अराउंड 100 crores ना, आइडियली 80-90 crores के बीच में होना चाहिए, नेक्स्ट 3 to 4 years के तो बीच में वो एटलीस्ट ट्रेंड दिखना चाहिए हम लोग को कि वो ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट भी वैल्यूएशन उस हिसाब से लगाता है। समझ में आ रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली IML पोर्शन बढ़ते जाना चाहिए, एक टाइम आना चाहिए कि IML अराउंड 80-90% टच होना चाहिए, नॉन IML 10 या मे बी मोर देन दैट, 95% IML, 5% नॉन IML। समझ में आ रहा है। यूटिलाइजेशन जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 70-75% तो होना ही चाहिए, मैंने यहाँ पे डाला है मस्ट बी एटलीस्ट 70%, आइडियली 75-80% होना चाहिए, क्योंकि फूड्स का FMCG का वो लोग 85% अज्यूम कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज उनका 78-80% टच होना चाहिए, बराबर है ना। फिर भी मैंने क्या डाला है, एटलीस्ट 70 तो होना ही चाहिए। समझ में आ रहे। टोटल एसेट टर्न ओवर 3 साल में कितना होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 1.5, ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया था। एंड ऑल्सो सी इफ द नेट मार्जिन इज एटलीस्ट मोर देन 10, समझा, मैंने हम लोग ने 11%, 12% लिया था, 10% से तो ज़्यादा होना चाहिए। अभी लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है नेक्स्ट 2 to 3 years के लिए, तो देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क, क्योंकि आज के तारीख में वो ऑलरेडी अराउंड 3x बढ़ गया है, राइट, नॉट 3x बट 2-2.5x ऑलरेडी बढ़ गया है, 150-160 था, एज ऑफ नाउ इट इज़ अराउंड 460 समथिंग, राइट, तो वो काफ़ी हद तक बढ़ तो गया है 2.5 times। हैविंग सेड दैट, उससे कुछ नहीं होता, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि 2 गुना बढ़ गया है तो आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा हो सकता है 2 गुना अभी बढ़ा है, आगे और 10 गुना भी बढ़ सकता है, समझ में आ रहा है। बट शॉर्ट टर्म अगर आपका 1 year 2 year होराइजन है, प्रॉब्लम ये है
कि वो मेटेरियलाइज होने के लिए टाइम भी लग सकता है. ऐसा हो सकता है कंपनी ज़्यादा ग्रीन फील्ड भी ले, ब्राउन फील्ड के साथ साथ ग्रीन फील्ड ले एंड उनका टर्न्स इतना ही दिखे, तो हो सकता है मार्केट तभी नहीं वैल्यू करे उसको उतना. समझा, मार्केट का सेंटिमेंट गिर सकता है. आज के तारीख में अराउंड 38-39 के सेंटिमेंट्स पे पी रेशियो 35-38 वो गिर सकता है. समझा, तो शॉर्ट टर्म में मैं नहीं एडवाइस करूंगा ये प्राइस पॉइंट पे लेने के लिए. हैविंग सेड दैट, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है आपका 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स, 6-8 ईयर्स, तो आई रिकमेंड कि जब जब डिप्स आता है थोड़ा तो आप ले सकते हो. एंड जैसे जैसे प्रोग्रेस होते जा रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो रिस्क जो भी है वो मिटिगेट होते हुए दिख रहा है आपको, FNF बढ़ रहा है, तो आप एडिशनली डालो. समझ में आ रहा है? ऐसा कोई बुरी बात नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा तो मैं नहीं डालूंगा, याद रखना ये चीज़. समझ में आ रहा है आपको? अभी आप डिप्स में ले सकते हो, अगर बेटर होते जा रहा है तो आप और उसमें इन्वेस्ट करते जा सकते हो. सो फॉर गाइज वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, इफ यू गॉट एनी डाउट्स डू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और कंपनी को एनालाइज करूँ, आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में लिखिए. इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो गाइज, डू सपोर्ट मी बाई सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन.